अब निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक भी पढ़ने पर बालिकाओं को फीस नहीं देनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा हरसोनी चैनल। आज की स्पेशल वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक अब RTE के तहत कक्षा 9 से 12 में भी बालिकाओं की फीस नहीं लगेगी। इनकी फीस का पुनर्भरण भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। देखिए साथियों, अब तक स्पष्ट था कक्षा 1 से 8 तक RTE के तहत जिन बालक बालिकाओं का प्रवेश निजी स्कूलों में होता था उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। अब मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में घोषणा की थी कि इस सत्र 2022-23 से RTE के तहत कक्षा 9 से 12 में भी बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। इसके लिए सरकार इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना लेकर आई है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। इसके लिए ऐसी बालिका जिन्होंने प्रदेश में पहले बार RTE लागू होने के बाद एडमिशन ले लिया था, वो बालिकाएं इस सत्र से कक्षा 9 में पहुंच गई हैं। ऐसी बालिकाओं की संख्या प्रदेश में 21,713 है, जिनके फीस के पुनर्भरण की राशि लगभग 30 करोड़ रुपए बनती है, जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार वहन करेगी। नियम क्या था सरकार के द्वारा? RTE के बच्चों की फीस के पुनर्भरण के लिए एक यूनिट कॉस्ट तय की जाती थी। अब स्कूल की फीस, सत्यापित फीस और यूनिट कॉस्ट में से जो भी कम होता था उसका पुनर्भरण स्कूलों को राज्य सरकार करती थी। अब कक्षा 9 व 10 का 10%, 11 व 12 का 20% की जो राशि है वो यूनिट कॉस्ट के रूप में तय की जाएगी बढ़ा करके। अभी तक जो यूनिट कॉस्ट थी कक्षा 1 से 8 तक, उसमें 9 से 10 में 10% और कक्षा 11-12 में 20% बढ़ा करके सरकार यूनिट कॉस्ट तय करेगी। और फिर स्कूल की फीस, सत्यापित फीस और यूनिट कॉस्ट में से जो भी कम होगा उसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में 10 अगस्त को निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने भी आदेश जारी कर दिए। निदेशक ने स्पष्ट कर दिया गया है किया है कि इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना इस सत्र से लागू कर दी गई है। पात्र जो बालिकाएं हैं उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। इसके लिए बालिकाओं को किसी भी प्रकार के आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। शर्त यह है कि बालिका यदि कक्षा 9 से 12 के बीच यदि किसी सत्र या कक्षा में फेल हो जाती है तो उसकी फीस का पुनर्भरण उसी सत्र से रुक जाएगा। इस संबंध में निदेशक महोदय ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो बिल्कुल स्पष्ट है मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक सत्र 2022-23 से कक्षा 9 से 12 में निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण भी अब राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। यदि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप YouTube पर हमारे ज्ञानधारा हरसोली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ज्ञानधारा हरसोली नाम से आप हमारे Facebook पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको शिक्षा रोजगार से जुड़ी प्रत्येक अपडेट समय पर हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आज की इस स्पेशल वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।